यहां कुछ समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस। ये बंदा अगर रस्सी के अंदर में खड़ा हुआ है तो किसके दम पे खड़ा हुआ है? एक कॉन्फिडेंस, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस के दम पर, के बाद जो है इसके पास जो इसका अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से इधर खड़ा हुआ है। जिस दिन इसका कॉन्फिडेंस ढीला पड़ जाएगा तो क्या ये इधर खड़ा रह पाएगा? हेलो, खड़ा रह पाएगा? सारी एजुकेशन पैसा सब पीछे चली जाएगी, सारी नॉलेज सब पीछे चली जाएगी। इधर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। एक बारी की मैं आपको बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक संस्था थी, जैसे बहुत सारी संस्थाएं, जैसे गीता प्रेस, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें धार्मिक किताबें बेची जाती हैं, धार्मिक किताबें। एक संस्था थी, उसके अंदर धार्मिक किताबों की बहुत बड़ी उसने जो सेल लगा रखी थी, तो उसके जो CEO थे उन्होंने कुछ सेल्समैन का गठन किया। तो जो सेल्समैन थे सब बुलाए और सभी सेल्समैन को 10-10 किताबें देता रामायण की, कहता भैया हर रोज 10 किताब आपको बेच के आना है। तो कई सारे सेल्समैन थे, सब 10 किताब लेके जाते बेचने के लिए। अब कोई 2 किताब दिन में बेच पाता, कोई 3 बेच के पाता, कोई 4 बेच के पाता, कोई 6 बेच पाता, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा था जो रोज 10 किताब बेच के आता था। किताब रामायण ही थी, रेट फिक्स था 100 रुपया, लेकिन एक बंदा ऐसा था जो रोज 10 की 10 बेच के आता था, बाकी 2, 3, 5 बेच के आते थे। अब जो CEO था वो बड़ा चक्कर में पड़ा कि एक दिन गलती हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 3 दिन हो सकती है, ये रोज 10 बेच के आता है, बाकी नहीं बेच पाते, आखिर चक्कर क्या है? अब उसको बुलाया गया। वो जब CEO के सामने गया तो उससे जब उसकी बात होने लग गई तो उसने देखा, अरे ये तो तोतला आदमी है, तो सही से बोल नहीं पाता। तब वो बड़ा चक्कर पड़ा, कहते तोतला आदमी, पूरी 100 की 100 बेच के आता है, अरे अच्छे खासे हुष्ट-पुष्ट, अच्छा बोल पाते, सब कुछ कर पाते, ये लोग नहीं बेच पा रहे हैं। कहते बेटा तू करता कैसे है? कहते सर कुछ नहीं। कहते बताओ कैसे करते हो, कैसे सेल कैसे करते हो तुम? कहते मैं पहली बार मैं जाता हूँ उधर, उसके बाद बेल बजाता हूँ। कहते अच्छा फिर? कहते वो उसके बाद जो है वो बंदा निकल के बाहर आता है। फिर उसे बाप ये बुक दिखाता हूँ उसको। कहते फिर? कहते मैं उसको बोलता हूँ कि ये रामायण 100 रुपए की है, तो आप इसको लेना चाहेंगे कि पूरा पढ़ के सुनाऊं? कहता बेटा ये पढ़ के सुनाने लग जाएगा मेरी तो निकल जाएगी। कहता इससे बढ़िया बेटा तू दे ही दे, तो मेरी तो लोग ले लेते हैं भाई। कॉन्फिडेंस, उसका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस। एक बार एक जंगल में एक चूहिया शेर के सामने आ गई। शेर जो था पूरा सीना ताने चला आ रहा था, चूहिया सामने आई, टिक करके से खड़ी हो गई। शेर कहता अरे चूहिया की इतनी हिम्मत, मेरे सामने टिक कैसे खड़ी हो गई? कहते रे चूहिया क्या बात है? कहती शेर भैया नहीं भैया नहीं बोला यार, कुछ और बोला था। कहता आई लव यू। तो शेर कहता है चूहिया क्या तुझे डर नहीं लगता? कहते इसमें डरने की क्या बात है? कहते क्या तूने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा? कहते सर आप मेरे चेहरे में मत जाओ, मेरे कॉन्फिडेंस में जाओ, कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस टाइट रखो। अगर कॉन्फिडेंस आप टाइट रखेंगे तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बंदा प्रैक्टिस की वजह से, नॉलेज की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से ये काम कर सकता है। जिस दिन बंदे का कॉन्फिडेंस ढीला हो जाए, जिस दिन बंदे के अंदर में डर आ जाए, इस तरीके से इंजॉइंग तरीके से रस्सी के ऊपर में खुले आसमान में खड़ा नहीं हो सकता ये। तो आपको भी मार्केट के अंदर में इंजॉइंग तरीके से खुले आसमान में ऐसे मस्ती के साथ निकलना है और बाहर से ज्वाइनिंग लेके आनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप बोले तो आपकी आंखें उनकी आंखों के अंदर में ऐसा टक्कर मारें कि अगला सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए और अगला साइन करे और आप अपनी सेल क्लोज करके आगे निकल सकें।